हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टोरंटो डायरीज। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत लोगों की रातों की नींद उड़ा देता है। जब भी आपको पहली बार अपनी कंट्री से बाहर जाना होता है या आप मूव कर रहे होते हो, तो आपको नहीं पता होता कि आप वहाँ जाके सिम कार्ड कैसे लेंगे, आप वहाँ जाके जॉब कैसे करेंगे, या सबसे बड़ी चीज़, आप वहाँ जाके रहेंगे कहाँ पर। आज इस वीडियो में हम उन पांच चीज़ों की बात करेंगे जो आपको कनाडा में लैंड करने के बाद सबसे पहले करनी होती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा इज हमें अपना फ़ोन नंबर लेना होता है, वो है सिम कार्ड। सो देयर आर टू थ्री ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि जो आपका इंडिया से जो कार्ड आप लेकर आ रहे हैं या जो इंडिया से आपका परमानेंट नंबर है, आप उसको ही इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करवा के लाएं एक हफ्ते के लिए और आप उसको यूज़ करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको वो नंबर इंडिया में रखना है तो आप एक टेम्प्रेरी नंबर लेकर आ सकते हैं, तो आप एक टेम्प्रेरी प्रीपेड नंबर इशू करवाएँ और आप उसको यहाँ पर एक हफ्ते के लिए, दो हफ्ते के लिए यूज़ करें और तब तक आप अपना नंबर ले लें। तीसरा ऑप्शन जो मैंने किया था वो क्या था कि आप डायरेक्टली कनाडा आएँ, यहाँ लैंड करें। जब आप एयरपोर्ट पे होंगे तो एयरपोर्ट पे आपको वाईफाई मिल जाएगा, सो आप उस वाईफाई के थ्रू आप डेटा यूज़ कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, एंड देन ईदर फ्रॉम द एयरपोर्ट और या फिर आप जहाँ पे भी रहना चाहते हैं, सिटी में जाना चाहते हैं, तो वहाँ जाने के बाद आप प्लान ले सकते हैं। आई वुड एडवाइस कि आप एयरपोर्ट से सिम कार्ड नहीं लें, क्योंकि एयरपोर्ट पे थोड़े से एक्सपेंसिव प्लान देते हैं वो लोग, ऑप्शंस कम हैं। एक तो फाइडो का है वहाँ पे और आई गेस एक चैटर का है, सो दो या तीन ही ऑप्शन हैं जो एयरपोर्ट पे अवेलेबल है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। सो यू कैन गो टू अ नियर बाय मॉल जहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको बेल, रॉजर्स, टेलस, फाइडो, चैटर, फ्रीडम, वर्जिन प्लस, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। मेन तीन ऑपरेटर हैं लेकिन उनके सब ब्रांड्स भी हैं, तो आपको आप अपने आप चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्लान। अगर आपको फ़ोन परचेज करना है या कोई भी स्कीम चल रही है तो इट्स बेटर कि आप अगर आप सिटी से प्लान लें रादर देन कि एयरपोर्ट से। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू हैव टू ओपन योर बैंक अकाउंट। सो टू ओपन योर बैंक अकाउंट, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो इट्स वेरी प्रोबेबल कि आपने अपना गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट के थ्रू $10,000 कनाडा में किसी बैंक में डिपॉजिट करे होंगे जो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में मिलते रहेंगे। और अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं या पीआर पे आ रहे हैं आप लोग, तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। सो व्हाट इज़ द बेटर ऑप्शन कि आप आकर बैंक्स के ऑप्शन देखें। तो यहाँ पे मेन जो है वो पांच बैंक हैं, सबसे ऊपर जो टॉप पे आता है वो आरबीसी बैंक है, उसके बाद टीडी बैंक है, एंड देन वी हैव स्कॉशिया बैंक, देन बैंक ऑफ मॉन्ट्रियाल, एंड देन सीआईबीसी। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, पर मेक श्योर करिएगा कि अगर आप एज अ स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, आप नॉर्मल अपना अकाउंट खोल रहे हैं वर्क परमिट पे या पीआर पे आ रहे हैं, सो यू कैन नेगोशिएट अ गुड डील विद देम। बहुत सारे ऑफर्स चल रहे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली वो $300 के आसपास आपको देते हैं इधर इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट। जैसे कि आई गेस आरबीसी में स्कीम चलती रहती है कि वो कभी एयरपोर्ट प्रो देते हैं, कभी वो आईपैड देते हैं, कभी वो इस तरह से देते हैं। कुछ बैंक्स वाले आपको कैश भी देते हैं, तो मतलब उनके कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप ऑटो पे करिए, आप उनके अकाउंट ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कुछ पेमेंट करिए, एंड थर्ड इज़ योर डायरेक्ट पे डिपॉजिट जो होगा वो आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। सो ये कंडीशंस मीट होने के बाद आपको वहाँ पे बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। एडिशनल थिंग इज़ कि आपको जो बैंक अकाउंट ओपन होता है वो यहाँ पे फीस चार्ज होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली $16 to $17 चार्ज होती है, बट फॉर फर्स्ट ईयर इट इज़ फ्री। तो आप डेफिनेटली जिस भी बैंक में जाएँ आप ये बात कर लें कि आपको वो फ्री मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अदरवाइज फ्रॉम सेकेंड ईयर यू कैन मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 4,000 और 5,000, व्हाटएवर, हर बैंक अपना अलग है। तो आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं अपने करंट अकाउंट में, चेकिंग अकाउंट जो उसको बोलते हैं यहाँ पर, एंड देन योर फी विल बी वेव्ड ऑफ। आरबीसी और टीडी ऐसे हैं जिनमें फी वेव ऑफ नहीं होती है बिकॉज दे आर काइंड ऑफ टॉप बैंक्स। नाउ द थर्ड थिंग कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है घर कैसे लेना है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली आप कनाडा आ रहे हो, सो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका यहाँ पे कोई नोन ऑलरेडी है जिसके आप रुक सकते हो, अदरवाइज आपको अपने खुद अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। सो आई वुड से कि आप इंडिया से लीज साइन करके नहीं आए या इंडिया से आप अपनी लोकेशन फाइनल नहीं करें, बिकॉज आप किसी वेबसाइट पे देखते हैं यहाँ पे बहुत स्कैम होता है। अगर आप फिजिकली जाकर नहीं देख रहे हो, सिर्फ फोटोग्राफ्स में देख रहे हो और आप किसी को फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, सो इट इज़ वेरी रिस्की और देर आर वेरी लेस चांस कि आपको वो घर उस जगह पे मिलेगा भी जो आपने एड्रेस दिखाया उसने। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई घर रेंट करते हैं, लीज आउट करते हैं, तो आप खुद उसको फिजिकली देखने जाएं, अगर आपका कोई फ्रेंड है यहाँ पर या फैमिली मेम्बर है तो वो देखने जाए।
सेकेंड एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये देना चाहता हूँ कि आप इनिशियली लीज साइन ना करें। सो आप ऐसा कोशिश करें कि आपको ऐसा घर मिले जो मंथ ऑन मंथ में हो, ताकि आप अपने आप देख सकें कि आपको रहना कहाँ है। अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं तो आपको जॉब कहाँ मिलती है उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है आपको शिफ्ट करना पड़े। अगर आपका कनाडा में कोई नहीं है तो आप एक हफ्ते के लिए एयरबीएनबी बुक करवाएं, तब आप ढूंढ सकते हैं कि आपको कहाँ लेना है। और उसमें भी आप प्रेफर करिए कि आपको लीज़ ना साइन करनी पड़े। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इनिशियली लीज़ साइन कर लेते हैं और वो एज़ कुछ रूममेट्स के साथ रहते हैं जब वो सिंगल होते हैं, बैचलर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, एंड देन आफ्टर सम टाइम 2 मंथ्स 3 मंथ्स उसमें आपस में ग्रजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर उनको ऐसा लगता है कि अरे यार नहीं, मैं नहीं रह सकता, या वो परेशान होते हैं और उनकी लीज साइन कर रखी होती है तो उनको सब लीज पे किसी को लेट आउट करने का ऑप्शन नहीं होता। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू कुछ देख रहे हो, कि जीजी के थ्रू देख रहे हो, और आपका भी पार्टनर जो आपके साथ रहना है वो नहीं है फाइनल, तो आप लीज साइन ना करें। और अगर आपको वैसे भी अदरवाइज भी अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो आप कोशिश करिए कि लीज साइन ना करें, बिकॉज आपको जॉब ढूंढनी है, आपकी जॉब कहाँ मिलेगी, और 2 से 3 महीने बाद आपको ऐसा लगे कि यार यहाँ नहीं रहना है, मे बी मेरे को आउटस्कर्ट्स में रहना है या मेरे को डाउनटाउन मूव होना है, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। बट स्टिल प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंडिया से घर नहीं फाइनल करें, आप यहाँ पे आकर फाइनल करें, कोई ना कोई उस घर को देखने जाए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सिन, सोशल इंश्योरेंस नंबर। तो ये यहाँ पर जॉब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इंडिया में हमारा पैन कार्ड होता है कि अगर हमें जॉब करनी है तो हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, इन द सेम वे अगर हमें कनाडा में जॉब करनी है तो हमारे पास सिन कार्ड होना चाहिए। अब अगर आप वर्क परमिट और पीआर पे आ रहे हो तो आप फुल टाइम जॉब करोगे तो आपको सिन कार्ड चाहिए ही चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो भी आप 20 आवर्स तक काम कर सकते हो, और एज 15 नवंबर से रूल चेंज हो रहा है कि आप फुल आवर्स काम कर सकते हो, तो आपकी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 20 आवर्स की। सो देर आर 2 ऑप्शंस टू अप्लाई सिन कार्ड। द नंबर 1 ऑप्शन इज़ कि आप सर्विस कैनेडा पे जाते हैं और वहाँ जाके आप सिन अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हैं और आप वॉक इन में जा सकते हैं। वॉक इन में जाएंगे तो इमिडिएटली आपको उसी दिन आपका हो जाएगा। ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा क्यू होगा, सो 1-1.5 आवर्स की वेटिंग होती है, क्यू होती है, और अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट में आपका इमीडिएटली नंबर आ जाता है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अपॉइंटमेंट मिलने में टाइम लगता है, सो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक टू 10 डेज चलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस समय कितना रश है। और जो सेकेंड ऑप्शन है वो है ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं सिन नंबर के लिए। सो यू कैन मेक एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, बट देर इज़ ओनली वन थिंग कि आपके पास लोकल आईडी प्रूफ होना चाहिए, या जैसे आपने अगर घर लीज पे लिया है तो लीज़ का एड्रेस हो गया या बैंक अकाउंट का एड्रेस हो गया, तो वो आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो आपको सिन का नंबर आपका जो है, जो प्रिंट आउट है, वो आपको घर पे भेजेंगे। सो द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द लोकल आईडी प्रूफ। तो 2 ऑप्शन है उसके लिए आपके पास। पहला होता है कि आप अपना एक फ़ोटो आईडी प्रूफ बनवाएं, तो वही आप सर्विस ओंटारियो में जाए, अगर आप ओंटारियो में हैं तो ऐसे ही हर प्रोविंस का अपना अलग अलग होता है, तो आप सर्विस ओंटारियो में जाए और वहाँ जाकर आप अपना फोटो आईडी बनवा सकते हैं। सो दैट विल बी अ लोकल फोटो आईडी प्रूफ, तो आपको पासपोर्ट लेके नहीं घूमना होगा हर जगह, आप वो लोकल फोटो आईडी प्रूफ कैरी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग विच इज़ आई वुड एडवाइज़ यू इज़ आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवा लें। तो जीवन ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाने में कुछ नहीं होता, यू डोंट नीड टू ड्राइव द कार, यू जस्ट हैव टू गिव द थ्योरी एग्जाम। 3 से 4 घंटे की प्रिपरेशन में आप वो थ्योरी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सो मैंने वीडियो बना रखा है कि क्या क्या चीज़ें करनी होती है आपको थ्योरी एग्जाम में, क्या क्या चीज़ें पूछते हैं, सो यू कैन वॉच माई वीडियो, यू विल सी द लिंक ऑन द टॉप। ठीक है, तो अगर आप डीएल एब्स्ट्रैक्ट लेकर आए हैं तो आपका डीएल एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ 6 मंथ्स तक ही वैलिड होता है, तो उसके अंदर अंदर आपको करवाना है। और सेकेंड थिंग, अगर आपके पास डीएल एब्स्ट्रैक्ट नहीं है या इंडिया का ड्राइविंग या कहीं और का ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, सो देन देर इज़ अ वेट पीरियड्स ऑफ 12 मंथ्स और 8 मंथ्स बिफोर यू कैन गो फॉर अ G2। तो ऑब्वियसली उसमें भी बेटर है कि आप जितना जल्दी जीवन लाइसेंस ले लें, एंड देन अगर आपको लगता है कि आपको G2 लेना है 1 साल में, आप ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी आपने प्रैक्टिस नहीं करी, अभी आपको नहीं लेना है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, अभी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो जीवन लाइसेंस है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो 5 ईयर्स तक वैलिड है। सो 5 ईयर्स तक आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं G2 पे या फुल G पे ना जाए। सो गाइज, दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करने हैं कैनेडा में लैंड करने के बाद। सो ट्राई टू डू इट इन द फर्स्ट वीक इफ़ पॉसिबल। अगर आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है और आप 1 हफ्ते पहले लैंड करते हैं, तो कोशिश करिए ये 5 चीज़ें आप 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लें। इससे आपको क्या होगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा और यू कैन एन्जॉय द व्यू लाइक मी। लाइक इफ़ यू सी जस्ट बिहाइंड मी, आई कैन सी लेक ऑन्टारियो एज वेल एज आई कैन सी CNTR। सो इट्स अ ब्यूटिफुल व्यू, ब्यूटिफुल अमेजिंग व्यू दैट आई हैव फ्रॉम माई होम। सो यू कैन ऑल्सो लिव विथ अ लिटिल पीस आफ्टर दैट।